सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भारतीय जनता पार्टी के राय विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि विकास की राजनीति करने वाली भाजपा का मानना है कि देश प्रदेश से भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि हर प्रकार का वाद जड़ से खत्म होना चाहिए। ऐसा होने पर ही अंत्योदय की स्थापना होगी और देश प्रदेश विकास की बुलंदियों को छू सकेंगे। भाजपा इसी दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ रही है। भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली अपने चुनावी दौरे के दौरान राय हल्के के गांव में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने असावरपुर, लिबासपुर, जाट जोशी, सेवली, पतला, अटेरना, दहिसरा और रसोई गांव में जनसभाओं को संबोधित किया। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम 5 वर्ष तक लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए किए हैं, चाहे पुल बनवाने की बात हो, चाहे सड़कें बनवाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनवाने की बात हो, स्कूल बनवाने की बात हो, डिस्पेंसरियां बनवाने की बात हो, आंगनवाड़ी खोलने की बात हो, और गांव में जो सड़क नालियां और गलियां बनवाने की बात हो, विकास के जितने भी काम हरियाणा प्रदेश की जनता को होने चाहिए थे वो सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाए हैं। और जो काम हमने 5 साल तक हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए किए हैं, राय विधानसभा में किए हैं, चाहे विश्वा मिल के स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात हो, चाहे महिला कॉलेज खोलने की बात हो, जो काम हमने 5 वर्ष तक जनता की सेवा में किए हैं, उन्हीं सभी बातों को लेकर मैं हर गाँव में, हर चौपाल में जनता के बीच में जा रहा हूँ। और उन किए हुए कामों की वजह से आज राय विधानसभा के सभी मतदाताओं का मन बना हुआ है कि ये बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, कमल के फूल को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। राय विधानसभा में चुनाव के दौरान लोगों का किस तरह का आपके प्रति रुझान है और कौन से बड़े नेता आगे इनके बीच में आने वाले? यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह तोमर जी, जो बागपत से सांसद हैं, उन्होंने 1 दिन का 7 गांवों का इसी प्रकार से जनसंपर्क अभियान किया। यहाँ के लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी ने भी 7 गांवों का 1 दिन संपर्क किया है और अब 11 तारीख को कल दिल्ली प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा जी, जो आज लोकसभा के सांसद हैं, वो 11 तारीख को 7 गांव के अंदर जाएंगे, वो भी जनसंपर्क अभियान करेंगे। 13 तारीख को ठाकुर राजनाथ सिंह जी राय विधानसभा में आ रहे हैं, वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी कड़ी में 15 तारीख को हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी 15 तारीख को राय विधानसभा में पहुंचेंगे, वो भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 14 तारीख को यहाँ कुरुक्षेत्र से सांसद माननीय नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वो पहुँचेंगे और वो मीमारपुर और मलिकपुर 2 गांवों में जनसंपर्क अभियान करेंगे। उसके बाद भी कई नेता यहाँ हरियाणा प्रदेश से भी, बाहर से भी पहुँचेंगे। जिस प्रकार की जानकारी आगे आएगी वो मैं आपको दूंगा।